और काफी प्राचीन जगह है ये। मंदिर का इतिहास क्या रहा है और कितना पुराना यह मंदिर? भी नन्याण में नदियों के संगम की मानी जाती है। जो मूर्तियां हैं उसके आपको एक बार जो है दर्शन करवाते हैं, बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पे आप कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए गणपति दादा की जो मूर्ति बनी हुई है। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत यात्रा की इस नई कड़ी में हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के झालावाड़ के झालरा पाटन में स्थित एक चंद्रभागा नदी जो है, जो कि काफ़ी प्राचीन है, इसके बारे में भी काफ़ी बड़ा इतिहास है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे चंद्रभागा में स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर के वगैरह काफ़ी प्राचीन दर्शन। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं हमारे परम मित्र राजस्थान झालावाड़ के निवासी रामस्वरूप जी मेरोटा। तो आज उनके साथ वो पूरा हमारे अवलोकन करवाएंगे, पूरा वीडियो के माध्यम से आपको पूरा दर्शन करवाएंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह का यहाँ का इतिहास रहा है, पूरा आपको जानकारी देंगे। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं ये है चंद्रभागा नदी, और उससे पहले प्रवेश द्वार पर एक मंदिर है जो कि महादेव जी का है, जिसके हम दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति यहाँ पर लिखी हुई है, श्री सहस्त्रलिंग महादेव जी के यहाँ पर दर्शन। कमेंट में जय श्री सहस्त्रलिंग महादेव अवश्य लिखे, आपकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण रूप से पूरी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे मित्र आ चुके हैं, उनके साथ हम प्रवेश द्वार से सीधा मंदिर के अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे और आपको पूरा जो है मंदिर का पूरा जो है जानकारी देंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों अभी हम आए राजस्थान के झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा जो है, एक पुरातत्व विभाग से मतलब संबंधित चंद्रभागा मंदिर है। तो चंद्रभागा जो मंदिर है उसकी आज हम विजिट करेंगे। चंद्रभागा मंदिर में क्या है, इसका इतिहास वगैरह सारा जानकारी देंगे। यहाँ पे एक पवित्र नदी भी है जिसका चंद्रभागा नदी जो है, तो क्या है पूरा इसका उल्लेख वगैरह पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे, पूरा इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। और हमारे साथ में हमारे परम मित्र जो है राम स्वरूप जी है, वो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। ये स्थान जो है चंद्रभागा मंदिर जो है बाद में बना, बाकी पहले चंद्रभागा नदी थी। ये नदी भी नन्याण में नदियों के संगम की मानी जाती है, और ये इतनी पवित्र नदी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला जैसा उत्सव रहता है, और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही मेले का भी आयोजन होता है। और ये नदी इसलिए पवित्र मानी जाती है कि यहाँ पर यह राजस्थान का अंतिम जिला है, और झालरापाटन जो झालावाड़ जिले में आता है, जो ये मालवा और राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमाओं पर बसा हुआ जो ये किला है ना, तो यहाँ के जो राजा थे अचल राज जी किसी, वो किसी रोग से पीड़ित हुए थे। उनको जैसे वो रोग हुआ था तो वो उनको किसी ब्राह्मण ने या किसी देवी शक्ति ने रात में आकर के किसी टाइम पर उनको आकर के बताया था मालवा विजय उपरांत कि आप उस नदी में जाकर के और नहा लीजिए तो आपके सारे जो भी कुष्ठ जो भी सॉरी जो भी मतलब चर्म रोग वगैरह से संबंधित रोग थे, तो वो जैसे इसमें से निकले इस नदी से नहा करके, तो यहाँ पर बताया गया चंद्रभागा नदी, तो नहाते ही इस नदी में से वो बिल्कुल मतलब उनके शारीरिक जो भी पाप रोग दोष थे वो सारे खत्म हो गए थे। उन्होंने उसी दिन से यह पवित्र नदी यहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो दोस्तों ये थे हमारे परम मित्र राम स्वरूप जी, जिन्होंने यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दी। बड़े बड़े वट वृक्ष लगे हुए यहाँ पर और काफी प्राचीन जगह है ये चंद्रभागा मंदिर। दोस्तों झालावाड़ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7वीं शताब्दी में बने हुए हैं कुछ शानदार मंदिरों में से एक है, जिसके आज आप दर्शन करेंगे। और हमारे मित्र राम स्वरूप जी मेरोटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पे यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंदी जी के दर्शन। चलिए अभी नंदी जी के दर्शन और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। बेल आइकन मैंने दबा दिया, आप लोग भी बेल आइकन दबाकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभी आपको सीधा मंदिर के अंदर दर्शन करवाते हैं किस तरह का ये मंदिर बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आगे नंदी महाराज है, काफ़ी बड़ी साइज में यहाँ पे आप बने हुए देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर शिवलिंग है। देखिए दोस्तों नंदी जी महाराज और यहाँ पर शिवलिंग। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।
तो यहाँ पे दोस्तों हम महादेव जी का जो है दर्शन करेंगे और तिलक लगा दिया हमारे चंदन का टीका। महादेव जी को हम जो है सिर से नमन करेंगे। महादेव जी जो है सबका कल्याण करे, यही हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। महादेव नंदी की साइज काफ़ी बड़ी है, बड़ा नंदी है यहाँ पर, और मंदिर की विशालता आप देखते ही बनती, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा मंदिर है यह। ठीक है, यहाँ पर शिव जी की आरती, शिव आरती, ध्यान रखते हैं योग्य बातें लिखी हुई है। मूर्तियाँ काफ़ी प्राचीन हैं, बहुत ही पुराने जमाने की, काफ़ी कई हजार वर्ष पूर्व की मूर्तियाँ हैं। अभी आपको प्राचीन शिवलिंग के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे ज्योत के दर्शन करिए सबसे पहले, जय हो प्रभु। इसके बाद जो है आप दर्शन करेंगे, सीधे आपको दर्शन करवाते हैं श्री महादेव जी के। जय श्री राम, जय महादेव। तो आपको सीधा गर्भगृह के अंदर जो है महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। तो अभी आप दर्शन करेंगे दोस्तों गर्भगृह में महादेव जी के प्राचीन दर्शन। कमेंट में जो है ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काफी प्राचीन मूर्तियां हैं और काफी पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ पर शिवलिंग बहुत ही विशाल बना हुआ है, यहाँ पे आप दर्शन कर पा रहे होंगे। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, महादेव महादेव। और यहाँ पे कुछ जो है पत्थर के अंदर जो है लिखा हुआ है, मतलब उस जमाने का। आगे हम बात करेंगे इतिहास के बारे में दोस्तों। आधुनिक झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में झालावाड़ के प्रमुख जालिम सिंह द्वारा सन 1796 में एक पुराने स्थल के करीब एक कृत्रिम झील के किनारे स्थापित किया गया था और यह व्यापार का केंद्र बन गया। शहर के पास प्राचीन स्थल चंद्रभागा शहर पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे औरंगजेब के समय में नष्ट कर दिया गया था। इस स्थल की सबसे अच्छी विशेषता शीतलेश्वर महादेव लगभग 689 का मंदिर है, जो झालावाड़ क्षेत्र की वास्तुकला और मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण है। एक बार यह क्षेत्र कोटा के क्षेत्र का हिस्सा भी रहा था। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे सस्टेनिंग योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस एक्रोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और ये मंदिर का जो भी आपने अभी दर्शन किया उसका बाहरी दृश्य बाहर से कुछ इस तरह का लगता है, देखिए। और उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मंदिर वगैरह हैं। तो अभी नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको सीधा ये वाले मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, यहाँ पे क्या बना हुआ है वो भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ प्राचीन और पुरानी पुरानी मूर्तियाँ गणपति जी की ऐसा। और सबसे पहले तो देखिए बाहर जो कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इधर भी कुछ पुरानी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ पड़ी है जो खंडित की हुई है, मतलब तो देखिए कैसे हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो मूर्तियाँ उनको खंडित किया गया उस समय में। मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर है, आज भी जो है मूर्ति की जो कला है अपने आप में एक अद्भुत कला का मतलब जो परिचय देते हुए मंदिर है दोस्तों, जिसके आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर, जय हो प्रभु। लगभग कुछ गणपति दादा का लग रहा है, गणपति और रिद्धि सिद्धि सहित, गणपति दादा रिद्धि सिद्धि सहित यहाँ पे दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन। कमेंट में जय श्री गणेश नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, बहुत ही ऐतिहासिक दर्शन यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दर्शन किए काफी सारे सुंदर सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन, जो खंडित मूर्तियां वगैरह थी। इधर भी कुछ मंदिर है उसके भी लोकेशन चलेंगे, दर्शन करवाएंगे आपको। तो फाइनली दोस्तों आपने दर्शन के बाकी बहुत ही मेरे भी नसीब अच्छे हैं और आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप भी नसीबदार हैं कि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके मैं आज आपको दर्शन करवा रहा हूँ। चंद्रभागा जो है यहाँ पे नदी है, जिसके भी आपने आगे दर्शन किया, आगे फिर से आपको एक बार दर्शन करूंगा। और भी इस मंदिर का क्या इतिहास है उसके बारे में
इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में आगे पंडित जी से हम बात करेंगे। पंडित जी पूरा इतिहास के बारे में जानकारी देंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और कितना पुराना यह मंदिर है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, और भी कई सारे यहाँ पर मंदिर है उसके भी मैं आपको दर्शन करूँगा, काफ़ी सुंदर दर्शन होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम भारत की ऐसी पुरातत्व दर्शन आपको और भी आगे से ज़्यादा करवाते रहेंगे। बहुत ही पुराने पुराने मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पर लोग पहुँच भी नहीं पाते आजकल की जो जनरेशन है ज्यादातर। चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड का वृक्ष लगा हुआ है बड़ा, काफी बड़ा, जिसकी शाखाएं देखिए कहाँ कहाँ तक जा रही है, कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं और बहुत ही सुंदर। उसके बाद जो है आपको लेके चलते हैं सीधा इन मंदिरों के अंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन लग रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है इस सीढ़ी से। तो चलिए सर्वप्रथम दर्शन करेंगे हम इस वाले मंदिर का। तो मंदिर के अंदर जो है सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई है और सीढ़ियों से ऊपर होते हुए बहुत ही प्राचीन और शिवलिंग है यहाँ पर। वाह, जय हो शिव महादेव। महादेव जी के दर्शन से पहले आप करिए यहाँ पर, यहाँ की प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं उसके आपको एक बार जो है दर्शन करवाते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन, देखिए मूर्तियां देखिए, मतलब उस जमाने में क्या कला थी भारत की, उसको जो है बारीकी से जो यहाँ पे है प्रस्तुत किया गया है। वाकई में माइंड ब्लाइंड। जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पे आप कर पा रहे होंगे। अभी आपको सीधा जो है महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। और अभी आप जो मैन गर्भगृह के दर्शन कर पा रहे होंगे दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय रुकना नहीं चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ओम नमः शिवाय कमेंट अवश्य कीजिए। और यहाँ पे कुछ चमत्कार आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार है। बहुत ही प्राचीन दर्शन यहाँ पर महादेव जी के, देखिए कितना पुराना यह शिवलिंग है। दोस्तों इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर पुराने समय की कला का बेहतरीन नमूना है। खूबसूरती से गड़े हुए खंबे और मेहराब के आकार के प्रवेश द्वार बीते युग के कलाकारों की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। वैसे तो चंद्रभागा नदी के तट पर कई मंदिर हैं, उनमें से श्री द्वारकाधीश मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाथन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यह मंदिर जो है चंद्रभागा मंदिर जो है, चंद्रभागा मंदिर का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास स्थित है। अब यह मंदिर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच आज भी इसकी गहरी आस्था है। चंद्रभागा मंदिर में मंदिर के सामने 5 शिवलिंग एक पंक्ति में खड़े हैं, जहां भक्त पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। चंद्रभागा मंदिर प्रतिदिन सुबह से सूर्यास्त तक भक्तों के लिए खुला रहता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ की जो नक्काशी है उसके भी आपको एक बार जो है मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। एकदम क्या शानदार यहाँ पे नक्काशी की गई है, ये देखिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इस मंदिर की जो नक्काशी है उसके लिए कम से कम आप लोग एक लाइक बनता है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख देना। देखिए यहाँ पर कुछ गणपति की मूर्तियाँ भी बनी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको एक बार, देखिए। और दोनों एकदम बिल्कुल सेंटर में, देखिए ये लुक है कुछ इस तरह का। और यहाँ पर देखिए गणपति दादा की जो मूर्ति बनी हुई है, जय श्री गणेश, साय नमः। बहुत ही शानदार जो है नक्काशी की गई है इन मंदिरों में। और कई हजार साल पहले की ये मंदिर जो बने हुए हैं उसमें देखिए सीमेंट जो उपयोग किया गया था, उस टाइप का जो, मतलब सीमेंट तो नहीं होता था लेकिन व्हाइट चूना जो होता था, लेकिन आज भी उतना ही मजबूती से जो है टिका हुआ है। वहाँ से होने के बाद अब हम आ गए हैं इस तरफ, तो उसके बाद आपको एक और भी शानदार मतलब दर्शन करवाते हैं। देखिए वहाँ देखिए बिल्कुल चारों तरफ जो है वर्ड वृक्ष जो लगा हुआ है,
वट वृक्ष की जो घटा है, मतलब देखिए कितना बड़ा वृक्ष है, और उसके बाद आपको दर्शन करवाते हैं, बहुत ही शानदार दर्शन, दिल थाम के बैठ जाइए। जय श्री राम। तो अभी आप दर्शन करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल थाम के बैठिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक और अति दुर्लभ दर्शन भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर जी भगवान के। जय श्री राम, जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभु। तो दर्शन बहुत ही सुंदर हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय चंद्रमौलेश्वर भगवान अवश्य लिखे, जय श्री राम अवश्य लिखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत ही अलौकिक दर्शन आप यहाँ पे कर पा रहे होंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यहाँ पे एक और शिवलिंग के दर्शन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आपको दर्शन करवाएंगे। देखिए पहले सर्वप्रथम आप दर्शन करिए श्री शिवलिंग, शिवलिंग के। और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन और पुराना जो है वृक्ष लगा हुआ है, जिसके आप दर्शन करिए। बहुत ही देखिए इस वृक्ष को जो है मतलब काटा नहीं गया है, ऊपर से जो देखिए छत का निर्माण कैसे किया गया है, तो पर्यावरण का संरक्षण किया गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अंदर और दर्शन करवाता हूँ प्रभु श्री हनुमान दादा के। जय हो श्री, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान दादा की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर कमेंट में आप लोग जय जय श्री राम अवश्य लिखेगा दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण रूप से पूरी होगी, ऐसा हनुमान जी के साक्षात दर्शन। देखिए दोस्तों इतने सुंदर दर्शन आप जो है कर पा रहे हैं यहाँ पर हनुमान दादा के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पे श्री जय हनुमान दादा के दर्शन। कमेंट में जय श्री राम लिखे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण रूप से पूरी करेंगे, ऐसा हम हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे राम स्वरूप जी जो है तिलक जो है आस्का जो है इन्होंने ले ली है। कैसे दर्शन हुए आपको राम स्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे हनुमान जी के? महावीर मिल गए, महावीर मिल गए, सब मिल गए। बोलिए महावीर भगवान की जय। हनुमान दादा महावीर भगवान के दर्शन के बाद हम आ गए इधर। तो यहाँ पर देखिए कुछ और मंदिर वगैरह बने हुए हैं, और ये पावन सरिता चंद्रभागा में, ये पावन नदी चंद्रभागा की आप दर्शन करिए, ठीक है। तो यही है वो पावन नदी चंद्रभागा जिसके लिए, और यहाँ पे कार्तिक महीने में मेला लगता है ना, कार्तिक महीने के अंदर खास यहाँ पर जो है मेले का आयोजन होता है, काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु गण वगैरह आते हैं और इस पवित्र नदी में स्नान का लाभ लेते हैं। और यहाँ पे घाट पर भी काफ़ी सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो यह थे दोस्तों आज के दर्शन जो कि आपने किए यहाँ पर, बहुत ही सुंदर दर्शन मंदिर के साथ में पवित्र नदी चंद्रभागा के दर्शन किए। हमारे साथ परम मित्र, इनको भी इनका श्रेय जाता है, ये हमारे साथ आज थे झालावाड़ में, इनको साथ में लेकर के इनके सपोर्ट से आज हम यहाँ पे आ पहुँचे और दर्शन किए। तो उम्मीद है कि ये दर्शन आपको काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम अवश्य लिखेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे धार्मिक वीडियो देखने के लिए, सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।